अभी तक के हमारे जो दो स्पॉट थे वो कवर हो गए हैं और अब हम जहाँ से जा रहे हैं एनकाया ट्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोजाहन, एक था कोजाहन और एक था ग्रैंड मॉस्क, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, और जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए भी वहाँ पर नमाज की जगह होती है, जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने नमाज अदा की। उसके बाद सारी जो मार्केट है वो सब लग गई है वहाँ से, ग्रैंड बाज़ार जो बहुत ही बड़ी बाजार मार्केट है, आप वहाँ से वेजिटेबल, फ्रूट्स, कपड़े, गोल्ड, ज्वेलरी जो चाहे वो ले लें, सब चीज़ इजीली वहाँ पे अवेलेबल है और सस्ती भी मार्केट है। और वहाँ से हमने ले ली है ड्राई फ्रूट्स, ये देख रहे हैं आप, हमने ले लिया है वॉलनट और हम लोग इसे इंजॉय कर रहे हैं, बस ऐसे ब्रेक करते करते जाएंगे और फिर से इंजॉय करेंगे। पावर है हम लोग के पास तोड़ने। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा एनकाया ट्री, तो आपको मिलता है डायरेक्ट वहाँ पर। उसकी भी अपनी एक अलग ही खासियत है, वो 600 साल पुराना दरख्त है और लोग वहाँ जाके चाय कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ का नज़ारा भी कैसा होता है। तो हम आ गए हैं, बस ये एंट्रेंस है एनकाया ट्री का, पहाड़ी इलाका है इसलिए रास्ते जो है ज़रा ऊपर नीचे इस तरह के हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग तरीके के यू नो एक्सपीरियंस है ये हमारे लाइफ का, ज़बरदस्त है ना, ये कुछ अलग ही लग रहा है। तो ये है एनकाया का एंट्रेंस, अभी बस चलते रहना है। और ये है बाहर का मंजर, तो चलो चलते हैं ऊपर, एकदम पहाड़ पर है ये ट्री, बहुत ही फेमस है इसलिए यहाँ आना तो बनता था। तो बस अच्छा, यहाँ की जो है लोकल शॉप्स, लोकल मार्केट्स है यहाँ पर, ये पूरी हनी की बड़ी सी शॉप है और यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, बोलिन के बच्चों के स्वेटर्स, स्कार्फ, बहुत ही प्यारे प्यारे से। 600 साल पुराना झाड़े बिठाई कहाँ पर है? प्रहा। ये रहा वो दरख्त 600 साल पुराना, सारी डिटेल इसकी यहाँ पर है, एज, हाइट, क्राउन डायमीटर, सर्कमफेरेंस, ये है टर्किश लैंग्वेज में और ये है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये देखिए लोग यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, एकदम पहाड़ों के ऊपर है ये।
बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है और लोग इसे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर की जो शाखें हैं इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और इसको इन्होंने बिल्कुल भी काटा नहीं है, आप देख सकते हैं ये रॉड है, रॉड से ये लोग ने एकदम ऐसे बांध के रखा है ताकि ये टूटे नहीं। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए ये लोग ने बिल्कुल भी इसे टूटने वगैरह नहीं दिया है। अच्छा, इस झाड़ पर लिखना या फिर इस पर चढ़ना अलाउड बिल्कुल नहीं है। तो चले अभी थोड़ा फ़ोटो वगैरह हो जाए, फोटो सेशन। ले लिए ये लोग, पता नहीं कुछ तो बोलते ऐसे, पर ये कुछ थिक जैसा होता है, दूध से बना है, दूध है और मतलब जैसे खीर, जस्ट लाइक खीर है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। और आई थिंक ये जो ऊपर पाउडर है ये सिनेमन पाउडर है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। यहाँ की लोकल चीज़ें है वही ट्राई करना चाहिए ना, अगर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें लेंगे तो क्या मतलब का। पर ये अच्छी है, अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ये ऊपर इनकाया तारीखी किनारी, देखते ऊपर और भी क्या है। यह है इनकाया ट्री के आजू बाजू का हिस्सा, यहाँ से आपको पूरा बुरसा दिख जाएगा।